तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम इंग्लिश मॉडल वर्ब के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आपका कुड और कुड हैव। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुड और कुड हैव को लेकर परेशान होते हैं कि आखिर कुड और कुड हैव को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपके जो सारे डाउट हैं कुड और कुड हैव को लेकर वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने कैन और कुड इन दोनों की पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं, इनके सारे यूजेस नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुड का यूज़। तो देखिए कुड और कुड हैव इन दोनों में जो समानता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि आप उसमें ही कन्फ्यूज होते हैं, बाकी इनके जो सेपरेट यूज़ है वो तो आपको पता है। तो इन दोनों के बीच में समानता क्या है? वैसे देखिए जो कुड है वो आपका कम पॉसिबिलिटी के रूप में यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पर किसी काम को हो सकने की कम पॉसिबिलिटी पाई जाती है वहाँ पर आप कुड का यूज़ करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुड का एक और यूज़। कुड का यूज़ हम ऐसे सेंस में भी करते हैं जब किसी कार्य को हम पास्ट में अच्छे से करते थे लेकिन प्रेजेंट में उस कार्य को करने की हमारे पास एबिलिटी नहीं है, या फिर एबिलिटी है भी तो उतनी नहीं है जितनी हमारी पास्ट में उस कार्य को करने की थी। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अच्छा पढ़ाते थे, इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि आप प्रेजेंट में तो अच्छा नहीं पढ़ाते, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पास्ट में अच्छा पढ़ाते थे, यानी कि अब आप यहाँ पर पास्ट में जो कार्य है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट में आप अच्छा पढ़ाते थे, उस वाले कार्य को बताने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। यानी कि पास्ट में कोई चीज़ अच्छे तरह से कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट में उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते, ऐसे वाले सेंस में करेंगे आप कुड का यूज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वह अच्छा काम करता था, इसका मतलब है कि वो पास्ट में अच्छा काम करता था, या फिर वह पास्ट में अच्छा काम कर सकता था लेकिन प्रेजेंट में वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह के सेंस में आप कैसे बोलेंगे, ही कुड डू गुड वर्क्स, इसका मतलब है कि वो पास्ट में अच्छे काम करता था लेकिन प्रेजेंट में वो उसी तरह से अच्छे काम को नहीं कर सकता। यानी कि जब हम प्रेजेंट में उस एबिलिटी में नहीं होते जितनी एबिलिटी हमारे पास पास्ट में थी, तो ऐसे वाले सेंस में आप करेंगे कुड का यूज़। और जो कुड हैव है उसका यूज हम तब करेंगे जब हम किसी कार्य को पास्ट में कर सकते थे लेकिन पास्ट में हमने उस कार्य को किया नहीं। तो इस तरह के सेंस में जब पास्ट में कोई कार्य कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यह मैं आपको लाइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा इंतजार नहीं किया इसलिए मैंने बोला कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यानी कि तुमने ये वाला जो काम है वो पास्ट में नहीं किया। तो इस तरह के सेंस को बताने के लिए यूज करेंगे आप कुड हैव का। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम मेरे लिए इंतजार कर सकते थे। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम यह पढ़ सकते थे। यू कुड हैव रीड दिस। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को कुड और कुड हैव के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। इन दोनों का मतलब ही होता है सकता था सकता था, दोनों का मीनिंग जो है हिंदी में सेम है, लेकिन यदि इनके सेंस के ऊपर हम बात करेंगे तो इनका जो सेंस है वो दोनों का अलग अलग है। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।